लाइव ओडिया यूट्यूब चैनल रु मु श्री दिलीप कुमार नायक आमर एवं गोटे कविता पाठोत्सव चली एमर ओडिशार कोण अनुकोण रु विभिन्न कवि और कवयित्री मान कविता मो पाखक आसुच्छी मुझे पढ़ी सारापर जो कविता मत भल लगुच प्रथम से ही कविता आम चेल कवि कवि हिसाब से मुझे बोलूँ आम समस्त कवि और कवयित्री भाई भी मानक अनुरोध करें आपण पाखु गोटाए टा भी नौनु कितु आपण मैंने निज कविता निजे आसी आम चेल बोलने भल हाँ ताने बोली मुझे कविता बोलूँ आज से जड़े कवि कविता मो हाथ पटा को आसटा कि मत अति सुंदर लगी कवि नाम है घनश्याम त्रिपाठी नंदोर भद्रक कवितार शीर्षक है कवितार शीर्षक है परिणाम निश्चय भोग दिने दुनिया यात्रा रंगमंच पर अभिनय करी जानती भले किए बा नायक किए बा नायक किए बा नायक किए बा नायिका खल नायकर भूमिका परे हास्य रस थट्टा अभिनय मध्य निखुण चरित्र केकरी थाए हसकांद मध्ये ध्रुव सत्य कथा समाज को सेई देइण थाए नाटकर शेष जवनिका जेबे आरंभ हुई देखिबा जेबे सत्यर विजय असत्यर क्षय जनता सम्मुखे प्रकाश तेबे सबु कर्मर त परिणाम अच्छी कृषि स्वास्थ्य शिल्प बजार जी से कुशली दक्ष श्रमजीवी परिणाम शुभ फल ताहार परिणाम शुभ फल ताहार जे अटे मेधावी शांत शिष्ट पिला समय को अपचयन करी शिक्षा सोपानर सर्वोच्च स्थान रे होई थाए से दिने अधिकारी होई थाए से दिने अधिकारी गौरव मध्ये कौरवंक मध्ये हीन कूटनीति सुचग्र मेदिनी हेबिनी हरी परिणामे जहा होई लोक तहु समस्ते जानती शास्त्रर पेड़ी समस्ते जानती शास्त्रर पेड़ी हिरण्य निजर पुत्र कुजे कष्ट देई देई करी थकिला जेबे शेष परिणाम स्तंभरु बाहरी नखरे चिरिले बुकुजे तेबे नखरे चिरिले बुकुजे तेबे कंस होइकरी नृपति राज्यरे जगुआला करी निज पितारे भग्नी भिणाईंकु जेदंड बिहिला शेष परिणाम जहा हेला रे शेष परिणाम जहा हेला रे सती शिरोमणि जानंगी को नहीं दशानन जेबे देलाक दंड परिणाम ब्रह्म स्त्रीनाश गला छिड़गला दस टीजाक मुंड छिड़गला दस टीजाक मुंड आज जे चाहल पर अमंगल परपाई जी खोलुची गात परिणाम कौन घटव ताहार न थाए भयता तिड़ेक मात्र न थाए भयता तिड़ेक मात्र कामन जदि केबे व्यथा दि दस गुण होई सुध साथीर मिलिब निश्चय ध्रुव सत्य एहा द्वार विलंबता नुहे अंधार द्वार विलंबता नुहे अंधार मृत्यु जाने नाही मृत्यु जाने नाही जुबा बा वृद्ध परिणाम देले परिणाम हेले जे भयंकर बाटे जाऊ जाऊ अबास होउथिले बाटे जाऊ जाऊ अबास होउथिले निए लोके बोले थिला भाग्यरे तार थिला भाग्यरे तार थिला भाग्यरे तार अति सुंदर कविताटी।